गन्नौर जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन सरकार के दावों की पोल खुल गई। इंटरमीडिएट की परीक्षा के पहले ही दिन शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल में सामान्य हिंदी की जगह छात्रों को हिंदी का पेपर दे दिया गया। काफी देर बाद छात्रों का पेपर बदला गया, जिससे छात्रों का काफी वक्त बर्बाद हो गया। मेरा जो पेपर था सामान्य हिंदी का, जो वो ना मिलने की वजह से मुझे सिर्फ हिंदी का पेपर मिला। उसके वजह से मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ है। मेरा लगभग 1 घंटे का टाइम बर्बाद हो चुका था। मेरा पेपर मुझे वहाँ पे नहीं मिला। जो मैंने लिखा वो तो खैर काटना पड़ा। उसके वजह से टीचर ने भी ये कह दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब काट के तुम दोबारा से लिखो। प्रश्न पत्र गलत वितरित कर दिए गए थे, लेकिन मौके पर ही हमारा वहाँ पर सचल दल मौजूद था। रमाकांत अवस्थी जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय हाई स्कूल के और सचल दल प्रभारी हैं, उन्होंने तत्काल वहां जाकर के बच्चों से पेपर 5 मिनट के अंदर उन बच्चों को सही प्रश्न पत्रों का वितरण करा दिया गया।